आपने जब प्री वेट कर लिया तो उसके बाद आपको एक एंकल वेट का यूज करना है। ऐसा बोलते हैं ना, मसल्स की पावर बढ़ाने के लिए आपका वेट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस बच्चे के पैर में आधा किलो का वेट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। नाउ गो, 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down, ओके होल्ड। ये भी आपको 15 टाइम करना है। जब आपका आधा किलो के वेट से आप इजीली कर पाए तो उसके बाद एक और आपका वेट बढ़ा देना है। इसको फ्रंट की तरफ आपको ऐसे करके बांधना है। अच्छा उमेश, ये बता, जब ये वर्क कर रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ डल रहा है? ग्लूट्स के ऊपर, नी के ऊपर, यहाँ पर आ रहा है। ओके, पकड़ के रख इसे। वेट जितना आप वेट इंक्रीज करेंगे, जितना आप वेट बढ़ाएंगे और वेट के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे, देखो वेट कर करने वाली एक्सरसाइज है ये। बहुत छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो कि रनिंग में काफी हेल्प करते हैं। आपका एंकल, आपका नी, नी पेन होता है तो कई बंदे रनिंग करना बंद कर देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। आप फिर से स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाए, वेट हैवी करते जाओ। ना गो स्लो स्लो, मसल्स को फील करें। ग्रेट, ऐसे करके आपको कम से कम 15 टाइम के रिपीटेशन लगाना है। अब लास्ट में आता है आपका रिस्ट्रेंट बैंड, जो कि मार्केट के अंदर और मेरी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां से पूरे थेरा बेल्ट आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा उठा इसे, चेयर को उठा। देखो ऐसे इसको चेयर में लगाना है, ठीक है। और उसके बाद कहां पर लेके आना है? पैर में, ये जूते वाले पैर में, ठीक है। ओके, अब थोड़ा प्रेशर लगेगा, ठीक है। चलो गो, 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down। जब आप ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको खड़े हो जाना है। अब एक बंदा कोई इस पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई इधर मुंह कर ले, तो उधर मुंह कर, हाँ चल बैठ जा, ठीक है। अब ये पैर को तेरे को उठा के यहां तक लेके आना है, ठीक है। गुड, नाउ होल्ड डाउन,